15, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है तथा रेखाखंड एडी का मध्य बिंदु ई है। दिखाइए कि एरिया बीईडी बराबर 1/4 एरिया एबीसी। तो प्रश्न 15 में जो आकृति है उसको पहले हम बना लेंगे। यहाँ पे तो एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है। देखिए बी सी का जो मध्य बिंदु क्या है, डी है। बी सी का मध्य बिंदु है डी। उसके बाद ए डी को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब कह रहा है रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु ई है। अब ए डी का मध्य बिंदु है ई। अब बी को मिला देंगे इस तरह से। तो देखिए डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, यानी बी डी बराबर डी सी हो गया। उसी तरह ई किसका मध्य बिंदु है, ए डी का। तो ए ई बराबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी जो होगा डी सी के बराबर होगा, क्योंकि डी मध्य बिंदु है बी सी का। उसी तरह ए ई और ई डी बराबर होगा, क्योंकि ई मध्य बिंदु है ए डी का, ठीक है। इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि डी डी बी सी का डी बी सी का डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, अतः ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। तो देखिए डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब हुआ कि ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब हुआ कि ए डी जो है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। इस तरह लिख लेंगे। तो जब माध्यिका है ए डी, तो अतः एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी बराबर 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और इसको हम पहला लिख लेंगे। तो देखिए माध्यिका क्या करता है, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। तो ए डी क्या है, माध्यिका है त्रिभुज ए बी सी का। तो त्रिभुज ए बी डी, देखिए इस तरफ का त्रिभुज और त्रिभुज ए डी सी, इस तरफ का त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी डी, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी यानी इसका क्षेत्रफल, दोनों का बराबर हो जाएगा। तो माध्यिका जो है, त्रिभुज का माध्यिका क्या करता है, उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। और किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए बी सी के आधा के बराबर हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि ये दोनों को बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांटा है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, तो त्रिभुज ए बी सी के आधा के बराबर होगा ये दोनों का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार बी ई त्रिभुज ए बी डी
की माध्यिका है, तो बी जो है त्रिभुज एबीडी की माध्यिका है। देखिए ई क्या है, मध्य बिंदु है एडी का, तो बी क्या हो गया, माध्यिका हो गया त्रिभुज एबीडी का। जैसे एडी माध्यिका है त्रिभुज एबीसी का, उसी तरह बी जो है माध्यिका है त्रिभुज एबीडी का। तो बी क्या है, त्रिभुज एबीडी का माध्यिका है। इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज बी ई ए और त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो त्रिभुज ए बी डी के आधा के बराबर, ठीक है। ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी के आधा के बराबर होगा ये दोनों का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसी प्रकार बी त्रिभुज ए बी डी की माध्यिका है, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई ए बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी बराबर एक बटा दो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी और इसको हम दूसरा लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज बी ए का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो एक बटा दो यानी त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल के आधा के बराबर होगा। तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः तो त्रिभुज बी ए का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसको हम चित्र में देख लेते हैं। तो त्रिभुज बी ई ए, देखिए त्रिभुज बी ई ए त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी जो है त्रिभुज ए बी डी का माध्यिका है। बी क्या है, त्रिभुज ए बी डी का माध्यिका है। तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, तो त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल के आधा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः क्षेत्रफल त्रिभुज बी ई डी बराबर एक बटा दो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे यहां पे दूसरा से। तो दूसरा में देखिए हम क्या लिखे थे, त्रिभुज बी डी बराबर एक बटा दो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो त्रिभुज बी ए का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का आधा है, उसी तरह त्रिभुज बी डी का भी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का आधा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज बी डी बराबर एक बटा दो, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी बराबर एक बटा दो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी, इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा से, यानी दूसरा में इस तरह लिखा हुआ है। तो बराबर हम लिखेंगे एक बटा दो। अब देखिए एक बटा दो, अब त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, एक बटा दो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का, यानी त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है उसका आधा है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज ए बी डी के जगह पे हम लिख सकते हैं एक बटा दो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी डी के जगह पे क्या लिख लेंगे, एक बटा दो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। तो बराबर लिखेंगे एक बटा दो गुना एक बटा दो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला से, यानी पहला में
त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का आधा है, ये हम पहला में लाए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला में क्या है, त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का आधा है। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल के जगह पे देखिए एरिया त्रिभुज ए बी डी के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 1/2 एरिया त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का आधा है। तो इसके जगह पे हम इतना लिख लेंगे, 1/2 तो पहले से है यहाँ पे, इसको रहने देंगे, और एरिया त्रिभुज ए बी डी के जगह पे लिख लेंगे 1/2 एरिया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इस तरह से तो क्या हो गया, 1/2 गुना 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4, यानी 1/4 एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए यानी त्रिभुज बी डी का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का 1/4 होगा, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो लिख देंगे, अतः एरिया बी ई डी बराबर 1/4 एरिया ए बी सी, यही सिद्ध करना था। देखिए त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का 1/4, तो लिख लेंगे अतः एरिया बी ई डी बराबर 1/4 एरिया ए बी सी, यही सिद्ध करना था, तो इस तरह लिख लेंगे। तो इस तरह से प्रश्न 15 हल करेंगे।